नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राष्ट्रपति का एमपी दौरा, आज शहडोल के दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एमपी दौरे पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति का एमपी दौरा आज शहडोल के दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आज होना है, इसी के तहत उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचेंगी। कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं, जहां शहडोल में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी थी, जिसके बाद आज उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पुरजोर की जा रही है और अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। राष्ट्रपति शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी और इस उपलक्ष्य में भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दिया है। राष्ट्रपति शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे और इस उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 11 जिलों से 1 लाख से अधिक आदिवासी जनों के शामिल होने की उम्मीद है। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज ने महामहिम को न्योता दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एमपी दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया था। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का निमंत्रण राष्ट्रपति महोदया जी ने स्वीकार किया है। उनका मध्य प्रदेश का प्रथम आगमन हमारे लिए गौरव का विषय है। तो ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद करके इसकी जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा है। मुर्मू जी का मध्य प्रदेश का प्रथम आगमन, मध्य प्रदेश की धरती पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। बढ़ते हैं आगे, जहां एमपी में पेसा कानून होगा लागू। पेसा कानून के आधिकारिक रूप से होगी घोषणा। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू होगा कानून, राष्ट्रपति की मौजूदगी में होगी आधिकारिक घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पहले ही ऐसा कह दिया गया था कि पेसा कानून लागू करेंगे, जिसके बाद एमपी में पेसा कानून लागू होगा और पेसा कानून की आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति की मौजूदगी में इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। आपको बताते चले क्योंकि आज एमपी पहुंच रही हैं राष्ट्रपति, तो ऐसे में अब उनके सामने उनकी मौजूदगी में पेसा कानून लागू करने की आधिकारिक तौर पर घोषणा भी की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं, जहां आज एमपी में पेसा कानून लागू होगा। देखिए, पेसा एक्ट आखिर है क्या, ये आपको बताते हैं, जहां भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को बनाया गया है और एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। इसके साथ ही 16 दिसंबर 1996 को संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 1996 में ये दोनों सदनों से पारित भी हो गया। 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे लागू भी कर दिया गया। 2350 गांव में ये एक्ट लागू होगा और उसके अलावा 5212 ग्राम पंचायत में इस एक्ट को लागू किया जाएगा और साथ ही साथ 89 ब्लॉक में भी इसे लागू किया जाएगा और 6 जिलों में पूरी तरह से इसको लागू किया जाएगा। तो देखिए, ये आपको पूरी रोड मैप बताते चल रहे हैं कि आखिर कहां कहां इसको लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लागू है ये एक्ट। इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी इस एक्ट को लागू किया गया है, साथ ही साथ गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी पेसा एक्ट लागू है। झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना में भी पेसा एक्ट को लागू किया गया है। पेसा एक्ट लागू होने से आखिर क्या लाभ मिलता है, तो आपको बताते चले कि ग्राम सभा में सरपंच अध्यक्ष होता है, सचिव शासन से होगा। किसी भी गांव के 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे और तेंदुपत्ता संग्रहण और बेचने का काम ग्राम सभा करेगी।
सहकारी समितियों से अधिकार लिए जाएंगे, साथ ही साथ वन समिति की जगह ग्राम सभा होगी और गांव में लगने वाले बाजार मेले सब्जी मार्केट की फीस तय करने का अधिकार ग्राम सभा के पास रहेगा। किसी आदिवासी की मृत्यु पर वारिस तय करने में जिला प्रशासन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वारिस ग्राम सभा तय करेगी कि आखिर वारिस कौन है। यदि ग्राम सभा विवाद नहीं सुलझा पाएगी तो उपखंड अधिकारी के पास जाएगा ये पूरा मामला। उपखंड अधिकारी 90 दिन के भीतर जमीन का कब्जा और वारिस तय करने का फैसला करना पड़ेगा। उपखंड अधिकारी 90 दिन के भीतर जमीन का कब्जा का फैसला कराएगा।